हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के रेमेडी के बारे में बताने वाली हूं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए जी हां वो प्रॉब्लम है हमारे अनवान्टेड हेयर्स अनवान्टेयर्स की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो चाहे हमारे हाथों पर हो चाहे पैरों पर हो चाहे हमारे फेस पर हो ये हर जगह हमें मिल ही जाती है और इनको हटाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं एक बार यूज़ करने से कुछ नहीं होता इसलिए हमें इसे बार बार यूज़ करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारे जो अनवांटेड हेयर्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो रेमेडी क्या है मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका रेमेडी क्या है और किस तरह से इसे लगाना है मैं आपको बताने वाली हूँ तो इसके लिए हमें ज़्यादा जो है ताम की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ हमें चाहिए इसके लिए एक बाउल और उसमें हमें एक चम्मच नींबू का रस चाहिए इस रेमेडी से आपकी स्किन की कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे ये रेमेडी इतनी ज़्यादा इजी है और ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ इस चीज़ से आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपका स्किन बल्कि ग्लो करेगा और आपके अनवांटेड हेयर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे इस होम रेमेडी से लड़के हो या लड़कियाँ उनके अनचाहे बाल जड़ से ख़त्म हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है लड़की उनके आन पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आन पेट में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं उन लड़कियों के लिए भी यही उसका काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है तो सबसे पहले हम स महना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे सबसे पहले हम लेंगे एक नींबू नींबू को इस तरीके से काट लेंगे देखिए हम इस तरीके से नींबू को पहले अच्छे से काट लेंगे और हमें लेना है एक बाउल बाउल में इस नींबू के रस को हम निचोड़ेंगे पहले हमें इससे पहले बीज निकाल लेना है नींबू के उसके बाद हम बाउल में नींबू के रस को निचोड़ लेंगे अच्छे से देखिए ये आप वैक्स की मदद भी करता है ये जो हम रेमेडी आपको बता रहे हैं वो वैक्स की भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आप इसे वैक्स की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से हम पहले नींबू का रस निचोड़ लिए हैं देखिए यहाँ पे हमने बाउल में नींबू का रस निचोड़ लिए हैं अब हम इसमें डालेंगे छोटा चम्मच टर्मरिक देखिए इस तरीके से हम छोटा चम्मच में टर्मरिक डालेंगे नींबू के रस के अंदर अब दोस्तों हम इसमें हम तीसरी चीज़ मिलाएंगे बेकिंग सोडा देखिए ये हमारे पास है बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं आधा चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा देखिए इस तरीके से हम लेंगे बेकिंग सोडा यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है देखिए इस तरीके से हमें इतना सा बेकिंग पाउडर डालना है इसके बाद अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे सबसे पहले उस चीज़ को डालने से पहले हम इस तीनों चीज़ को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से देखिए इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको अप्लाई करना अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में पर सबसे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले अब देखिए हम इस तरीके से तीनों चीज़ों को कैसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे से आपको भी इसको मिक्स करना है क्योंकि जितना मिक्स करेंगे उतने ही आपके अनचाहे बाल रिमूव हो जाएंगे देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया अब हम थोड़ा सा लेंगे एलोवेरा जेल देखिए हम थोड़ी मात्रा में अब लेंगे एलोवेरा जेल देखिए आपको भी इतना ही लेना है एलोवेरा जेल अब इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं उसके बाद हम चाहे तो इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अनचाहे बाल हटाने के लिए अब हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो अभी आपको हम इस वीडियो में दिखाएँगे तो देखिए सबसे पहले हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है इसी तरह आपको भी पेस्ट बना लेना है अच्छे से और पेस्ट बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए क्योंकि तभी वो आपके हाथ हो या फिर फेस हो या फिर आंड पीट हो कहीं पर भी तभी वो लेप चिपकेगा देखिए इस तरीके से हमें इस लेप को अपने हाथों पे लगाना है आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो फेस पर हो या फिर पैर पर हो अंडर आर्म्स हो कहीं पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं देखिए इस तरीके से हमें अपने हाथ पर इस लेप को लगा ली इसे आधे घंटे बाद हमें हटा लेना है और इसे रेगुलर अप्लाई करना है इसे रेगुलर अप्लाई करने से धीरे धीरे हमारे जड़ के जो बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अनचाहे बाल वो जड़ से ही ख़त्म हो जाते हैं फिर वो बाल आने बंद हो जाते हैं